आगरा। तो आप लोग अभी भी आगरा है तो सदर बाजार में आके आप अगर चाट नहीं खाई आगरा में कुछ नहीं खाया। ये देख लो आप, ये अभी आका बल्ला चाट। हम लोग निकल चुके हैं आगरा राइड के लिए जो कि ताजमहल जा रहे हैं हम लोग, और घर से निकले हुए अभी करीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 9:30 बजे हमने निकले थे और अजमेर से निकले हम लोग। और अभी जयपुर में एक साथी और मिलने वाला हमारा रितेश भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये हाईवे है, लेते हैं पेट्रोल फिर निकलते हैं यहाँ से। टाइम 9:35 हो गए। भाई टैंक फुल कर दो ना। पहुंच चुके हैं हम लोग अभी और बस हितेश भाई का इंतजार हो रहा है, उसके बाद पीते हैं हम लोग चाय वगैरह, चाय पियेंगे यहाँ से, उसके बाद हाईवे पास में सामने ही है फिर निकलते हैं हम लोग आगरा के लिए। और टाइम हो गया अभी करीबन 10 मिनट सिर्फ। तो हितेश भाई आ चुके हैं, चाय वगैरह हमने पी ली है और अब निकल रहे हैं हम लोग आगरा के लिए। और ये हाईवे जो आगरा लेके जाएगा हमारे को। थोड़ा सा लेट है हम लोग, टाइम हो रहा 12:15 और अभी यहाँ से करीबन 300 किलोमीटर है आगरा। चलो गाड़ी तो पार्क हो गई, अब खाना खाते कुछ। मैं धीरे हुआ, मेरे को लगा तुम भी रुकोगे, तुम स्पीड में निकले को ओवरटेक करके, तो मैंने कहा क्या पता क्या, मुझे पता नहीं। आप ये पैर से इशारा कर रहे थे, समझा ही नहीं मैं भी इतनी हाथ से इशारा करके पैर हटा के एक बार टंकी भी दिखाई थी मैंने, क्या पता। वो गाड़ी हो गई पार्क, आप कुछ खाना खाते हैं, बढ़िया सी जगह है। अरे मैंने फ्यूल भरा होटल का ना भैया, बैग पड़े रहे। अभी आगरा रह गया अपना 160 किलोमीटर। 160 वही तो कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो भी राउंड फिगर ढाई नहीं तीन मान लो यार, 50 किलोमीटर घंटा से स्पीड पर कोई एरी क्या बना रहा। तो हाईवे पे कौन सा तेरे को कोई मिलेगा। तो अभी खाना वाना खा लिया हमने, बस निकल रहे हैं। अच्छा खाना था, बाकी चलते हैं। अभी सफ़र भी करीबन 3 घंटे का और बाकी है और अभी बच चुकी है फिक्स एकदम, दो बच चुकी है अभी और अब निकलते हैं।
तो अभी हम लोग हैं करीबन आगरा से 80 किलोमीटर दूर, और अभी यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हैं और थोड़ा आराम वगैरह भी किया है हम लोगों ने। बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग, बस थोड़ी देर में आराम वगैरह हो गया है। और देखते रहिए आप लोग ब्लॉग्स। तो अभी पीछे करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता जाम था, अभी हम निकल कर आए वहाँ से। लेकिन ओहो, वेलकम वेलकम फ्रॉम आगरा। ताजमहल के नियर बाय होटल लेंगे करीबन 500 या 300 मीटर के पास ही, जहाँ पार्किंग वहीं बाइक रहे और सुबह हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस में आके और ताजमहल देख सकें। तो ताजमहल तो हम पहुँचने वाले हैं बस 5-10 मिनट में। और ये है आगरा, देखिए आप आगरा, ये पूरी आगरा सिटी। काफ़ी रश हो रहा है, बहुत छोटे छोटे रोड में ऑटो टैक्सी गाड़ी वगैरह सब यहीं पर घुस रही है, जबकि इसको एक एंट्री वाला रोड करना चाहिए। वो दोनों तरफ का रोड कर रखा है, देखिए आप। ये होटल DR रेसिडेंसी, ये है करीबन 700 मीटर दूर आगरा से, वहाँ पर आगरा ताजमहल है सामने। और तो अभी निकल रहे हैं हम लोग होटल से, द्वारका का लोकल मार्केट है वहाँ पर घूमेंगे और उसके बाद वापस आते हैं। चल रहा है 1 किलोमीटर ही बता रहे हैं, तो 1 किलोमीटर ही है क्या? सदर बाजार 1 किलोमीटर पैदल जाओगे क्या? हाँ पैदल जाना। तो अभी जा रहे हैं सदर बाजार और वहाँ से करेंगे कुछ शॉपिंग, यहाँ पे आगरा का पहना बहुत फेमस है, वही लेंगे और उसके बाद देखते हैं खाने पीने का मौका बढ़िया मिलता है वहीं खा लेंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू रही। तो अभी हम लोग सदर बाजार के एक काफ़ी अच्छे मार्केट में, जहाँ पर चाट की खूब सारी स्टॉल्स है। तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग के क्या खाएं, अभी खाते हैं जो भी हम पानी आ गए तो कुछ खाना ही पड़ेगा। उपल क्या खाना बता? पनीर टिक्का भी है। अरे मास्टर भीड़ बहुत हो रही है, मास्टर शेफ रेस्टोरेंट मस्त बना रहे, एकदम चाट वाली मस्त है ना। यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब पे आपकी वीडियो आएगी देखना। तो अभी चाट का ऑर्डर गया 3, तुम भी चाट ही करो ना, तुम भी चाट ही करो ना। वाओ, स्टिक से खाना क्या? वाओ, खाना सीख जाएगा, आलू की टेस्टी लगी मेरे को। वाओ, तो आप लोग कभी भी आगरा है तो सदर बाजार में आके आप अगर चाट नहीं गई तो आगरा में कुछ नहीं खाया, ये देख लो आप, ये अभी आका बल्ला चाट। हाँ, और ये है दुकान का नाम चाट, आगरा चाट, आगरा चाट। आप बोलो मैडम।
अभी हम सदर बाजार से आ चुके हैं और खाना वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन जोमेटो से, और बस अभी यहाँ पर घूम लिया है और ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। और जो भी अब ताजमहल है यहाँ पर आगरा का, तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर दिखाऊंगा। तो ऑलराइट, जय हिंद।